Hey guys, welcome to our channel. अपने भाई का चैनल फैट बॉय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme 2 Pro का और इसके बॉक्स में क्या क्या आता है आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा ऑल न्यू Realme 2 Pro ब्लैक सी वर्जन। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट है फ्लिपकार्ट प्लस का। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। Realme 2 Pro का ब्रांडिंग, और ये 6GB 64GB वेरिएंट है और इसका और दो भी वेरिएंट आता है 4GB 64GB और 8GB 128GB का। और इसका जो दूसरा और दो कलर है वो है आइस लेक और ब्लू ओशन। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये देखिए अंदर में इसका रियलमी का ब्रांडिंग दिया हुआ है और इसके अंदर है एक प्लास्टिक का सॉफ्ट केस। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड है और इसके अंदर मिलता है आपको सिम इजेक्टर टूल, इसके पीछे मिलता है। और ये जो सॉफ्ट केस है इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब देखते हैं और बॉक्स में और क्या क्या है। तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और ये देखिए इसका चार्जर ओप्पो का ब्रांडिंग दिया हुआ है इसमें, 5 वोल्ट का ये चार्जर है मेड इन चाइना। और इसमें यूएसबी टाइप सी आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल चार्जर है और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता। तो चलिए फोन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल है इसका बैक पैनल, फुल ब्लैक है और काफी ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है एक, लेकिन ये पूरा एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। और देखिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है और 3.5mm हेडफोन जैक है। देखिए साइड उतना ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तो अभी फोन को कर लेते हैं स्टार्ट। और अब सेटिंग कर लेते हैं। इसका अच्छा एक बात है कि इसमें मिलता है कलर ओएस। तो जैसे कि मैंने बोला था देखिए कलर ओएस 5 एंड नाउ गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए हमारा फोन हो चुका है ऑन। तो देख लेते हैं इसका बाकी सब सेटिंग्स। और एंड में इसका कैमरा भी देख लेते हैं। तो ये वो हमारा कैमरा ऑन और चलिए एक फोटो क्लिक करके देखते हैं। पिक्चर क्वालिटी का भी डिसेंट लग रहा है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसका एक फुल कैमरा रिव्यू दे तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो
कैमरा काफ़ी अच्छा है, देखिए इतना जूम करने के बाद भी पिक्चर क्लियर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।